आज हमारा प्लान तो है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त जो है वो आपको दिखाने का है। बिल्कुल सबसे भाई, उसके बारे में मैंने सुना है कि उसकी जड़ ही नहीं मिलती, क्या जी? बिल्कुल, वो जो जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो दरख्त 2 एकड़ में फैला हुआ है और उसकी जड़ का किसी को पता ही नहीं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसकी जड़ों की जो एक कब्र टाइप बन चुकी है, तो ये सारी हकीकत अभी हम आपको जाकर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जनाब फ़िलहाल मैं कपड़े देने आया हूँ टेलर की शॉप पर। 2 सूट मैंने नए लिए थे, जैसा कि आपने देखा है कि मैं ज़्यादातर ब्लैक ही पहनता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ब्लैक नहीं लिए, 2 मुख्तलिफ रंग लिए हैं। एक वाइट कलर में है और एक जो कलर है अभी आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला कलर है। ये भी लगता वाइट ही है लेकिन ये वाइट है नहीं। और बाकी अभी यहाँ से घर जाना है और फिर दिल लिमिट जाने को, वहाँ पर एक वीडियो बनानी है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरख्त है, वहाँ पर उसकी कहते हैं जड़ नहीं मिली, तो उस पर वीडियो बनानी है। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आपको भी साथ लेकर चलेंगे। ये जनाब 2 कलर हैं, एक ये कलर है और ये एक वाइट कलर में है, काटन आई थिंक। ये 2 कलर हैं और उसके अलावा नाप वगैरह भी दे दिया है, ये हमारे टेलर साहब हैं। और फिलहाल घर जाने लगा हूँ। सफदर भाई का प्लान था मिट जाने का, आई होप प्लान जो है वो सक्सेसफुल ही रहे। तो अगर प्लान बन गया तो फिर मिट जाना है, अदरवाइज फिर देखेंगे क्या होता है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिलहाल जनाब आपका भाई जाने लगा है अपने घर, ठीक है। कपड़े वगैरह दे दिए हैं, नाप वगैरह दे दिया है, तो अब यहाँ पर कोई काम नहीं। अब यहाँ पर काम है तो सिर्फ टेलर साहब का, कहते हैं 11 डेट को मिल जाएंगे। अब पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगी, 11 के बाद या 11 से पहले। आप अभी सफदर भाई आ चुके हैं और यहाँ से हमारा प्लान किस तरफ है सफदर भाई? आज हमारा प्लान तो है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त जो है वो आपको दिखाने का है। बिल्कुल सफदर भाई, उसके बारे में मैंने सुना है कि उसकी जड़ ही नहीं मिलती, क्या जी? बिल्कुल, वो जो जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो दरख्त 2 एकड़ में फैला हुआ है और उसकी जड़ का किसी को पता ही नहीं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसकी जड़ों की जो एक कब्र टाइप बन चुकी है, तो ये सारी हकीकत अभी हम आपको जाकर दिखाते हैं। और उसके अलावा ये जनाब मेरे पीछे जो आप ये सारे देख रहे हैं भैंस वगैरह, उन्होंने बांधी हुई हैं। और उसके अलावा अभी हम सेटअप वगैरह कर रहे हैं, यानी कि मेन जो मेरा यहाँ पर व्लॉग थोड़ा सा स्टोरी टाइप होना है वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर वैसे यार बहुत ही पुरसकून माहौल है, जैसा चेक करें ना, चिड़ियों की आवाज़ें, उसके अलावा कवों की आवाज़ें, यानी कि ऐसी खूबसूरत आवाज़ें यहाँ पर, नेचुरल फुल नेचुरल सीन है। और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा दरख्त है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट पर जो है वो श्रीलंका में है, आई थिंक कन्फर्म नहीं है, बहरहाल दूसरे नंबर पर ये है। उसके अलावा जनाब अभी यहाँ पर आप मेरे पीछे जितने भी देखे ना, यहाँ पर भैंसें वगैरह ही उन्होंने बांधी हुई हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं। यहाँ पर घर वगैरह भी हैं और रिहायशी जो हैं उन्होंने भैंसें वगैरह यहाँ पर बांधी हुई हैं। और सफदर भाई अभी वो बच्चे की तस्वीर क्लिक करने लगे हैं। उसके अलावा यहाँ पर गेमू बाढ़ वगैरह डेढ़ जो भी उसे बोलते हैं उर्दू में, वो भी बहुत ज़्यादा है। और जो मुकम्मल व्लॉग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मेड विद DSLR है, तो लाजमी एक दफ़ा चेक करें। और यह चेक करें यहाँ पर यार लेवल वाला है, ये इसके जड़े चेक करें ना आप, यहाँ पर कैसी हैं, यानी कि इतनी अजीब सी जड़ियाँ हैं। और सुनने में आया है कि इसकी जड़ मिलती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकता कि कहाँ कहाँ तक है, लेकिन ओवरऑल अगर इसे देखा जाए, मोबाइल थोड़ा बहुत शेक कर रहा है, मैं वैसे पकड़ लेता हूँ। अच्छा वैसे अगर मेरे आप इस साइड पर जितने भी एरिया पर देखें, ये सारा यानी कि दरख्त फैला हुआ है, लेकिन आप कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकते। यहाँ पर आप देखें लोगों ने काटना स्टार्ट भी कर दिए। और सुनने में ये भी आया था ये पहले 4 एकड़ पर मुश्तमिल था। उसके अलावा यानी कि जो भी फुल इंफॉर्मेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना, यानी कि फुल जो है। और उसके अलावा इसमें एक दरबार भी, आप मुझे नहीं पता किन साहिब का है, ये जो पीछे आप मज़ार वगैरह देख रहे हैं ना, इसका मुझे कंफर्म नहीं किन साहिब का है, ना ही यहाँ पर कोई बंदा है जिससे हम पूछें कि ये किन साहिब का है। बहरहाल यार मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा दरख्त जो है वो देखा है। हम वहाँ से स्पेशल 50-60 किलोमीटर सफ़र करके ये देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए आए। यहाँ पर बहुत यार पुरसकून और प्यारा व्यू है। उसके अलावा सुबह का यहाँ पर लेवल जो है ना वो एंड होता होगा, और ख़ास करके शाम का, ये 2 जो व्यू हैं ना ये बहुत ही बेस्ट होते होंगे।
मैं ज़्यादा यहाँ पर डर इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पर डेमू वगैरह का जो सीन है ना, बाढ़ जिसे भेड़ बाढ़ जो भी बोलते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर तादाद में है। तो ये ना हो कि मक्खियाँ वगैरह, वो जो मक्खियाँ काटती हैं वो भी यहाँ पर हैं। और उसके अलावा यार लेवल वाला व्यू है, अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर लोगों ने भैंसें वगैरह बांधी हुई हैं, और उसके अलावा वो सफदर भाई वीडियो बना रहे हैं। और ये ऊपर अगर आप चेक करें ना, ये चेक करें, यहाँ तक है। और ये कुछ यहाँ के सीन है, चेक करें। इसके अलावा जो आप चेक करें परिंदों के चहचहाने की आवाज़, तो अभी सफदर भाई से कुछ राय लेते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है, क्या कुछ सीन है। जी सफदर भाई, यार माहौल बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आ जाएं, यहाँ धूप पड़ रही थी। अच्छा माहौल तो बहुत अच्छा है, तो जितना भी अभी टाइम हो गया इधर घूमते हुए, मैं इसकी जड़ तलाश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं इसकी जड़ नहीं मिलती। तो मैं सोच रहा था कि आज इसकी जड़ ढूंढ के जाऊंगा, लेकिन अभी तक तो नाकामी हुई है, लेकिन मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अगर आप साइड से जरा देखेंगे ना, ये आपको लगेगा ये जड़ है, लेकिन हो सकता है ये जड़ ना हो। उधर देखिए, उधर एक अलग जड़ है। ये बेसिकली दरख्त एक है सिर्फ, लेकिन इसकी जो मतलब डिफरेंट जगह पे जो तने से ऊपर नीचे इसकी शाख लटकती है, वो जमीन में धंस जाती है, वहां से आगे एक नया दरख्त शुरू हो जाता है। तो इसकी अच्छा अभी तक किसी बंदे को पता नहीं कि इसकी जड़ कहाँ पे, ओरिजिनल जड़ कहाँ पे, किसी को पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दरख्त जो है ये 4 एकड़ पर था बेसिकली जब शुरू हुआ था, इससे पहले 4 एकड़ पर था। लेकिन साइडों पे आप देखें, ये घरों में जो है साइड लोगों ने घर बना लिए हैं, जो घर बने हुए हैं ये इस दरख्त की जगह, ये बरगद का दरख्त इसकी जगह है। बिल्कुल। तो इसके अलावा मतलब जो लोगों ने जानवर वगैरह बांधे हुए, कई लोग ऐसे करते हैं कि जो अपने इस्तेमाल के लिए लकड़ियाँ वगैरह जो है इससे काट कर ले जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे पीछे काट कटी हुई भी है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली हमारे एक कीमती वरसा है, और हुकूमत को चाहिए, लोकल अथॉरिटीज को चाहिए, और स्पेशली जो ये आसपास रहने वाले लोग हैं इन्हें चाहिए कि इसकी हिफाजत करें, क्योंकि ये एक अच्छा आप समझ ले पिकनिक पॉइंट भी बन सकता है, और एक कीमती वरसा है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसको अपनी तहवील में लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कोई केयर नहीं हो रही। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर भी उन्होंने कटाई वगैरह स्टार्ट की हुई है। सर भाई ने जैसा बताया, अब मे भी ये जाड़ हो या वो जाड़ हो, यानी कोई अंदाज़ा ही वो जाड़ हो, आगे उसके अलावा ये जाड़ हो, यानी कि कोई बंदा कोई गैस ही नहीं कर सकता कि इसकी कौन सी जाड़ है, क्योंकि जड़ों से जड़ें निकल कर यानी कि पूरा एक बना है। ये जड़ हो सकती है, ये आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कटाई स्टार्ट की है, दरमियान में कब्रिस्तान है, कुछ मज़ार वगैरह हैं। उसके अलावा वो जड़ हो सकती है, वो आगे जड़ हो सकती है, वो इतनी आप कहाँ पर जड़ें देखें, ये आप देखें यहाँ पर इसके ये सीन देखें, ईंटों में से निकल रहा है, चेक करें। तो फिलहाल जनाब जैसा कि हम सोच कर यहाँ पर आए थे कि बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करेंगे, उतना तो इंजॉय नहीं हुआ। उसकी रीज़न जो है वो ज़्यादातर हमारी कौम की मिस्टेक हैं, जिन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं की। बहरहाल हम यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर फ़ोटो आएंगी अगर आपने देखनी है तो। उसके अलावा बस यहाँ से आप देखते हैं कहाँ चलते हैं, अपनी कार को जाएंगे, तो स्टे ट्यून, वीडियो के साथ जुड़े रहें, यहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे। जी आप पीछे दरख्त देख रहे हैं, ये वो मेन दरख्त है बरगद का, ठीक है। यहाँ पर देखें आप मेरे मेन जो एरिया पर कितना फैला हुआ है, और अभी हम यहाँ पर थंबनेल लेने के लिए आए हैं बैर यानी कि साइड पर। अभी आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ कैसा है। अब यहाँ से कुछ व्यू चेक करें, ये इतना बड़ा है, दूसरी साइड पर भी इतना ही है, माशाल्लाह चेक करें। बहरहाल अभी थंबनेल ले रहे हैं, और जनाब आगे क्या हो कुछ कह नहीं सकते। तो बहरहाल यार यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, चेक करें ना माशाल्लाह। मेन साइड तरह के ये तो खाली जगह छड़ने तरह का देते पीछे सामने ले रहे लिए जा रहे हैं, बाकी मैं लिख रहा हूं। तो बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ सीन होता है। ये कुछ इन साइड से इसका व्यू है, ये चेक करें। यहाँ वैसे ऊपर बहुत ऊपर तक है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो बहुत है, लेकिन नीचे से भी जड़े तो बहुत ही हैं। बहरहाल जैसा कि आपको बताया कि आवाम की गफलत की वजह से ये कुछ सीन हो रहा है, तो अभी हम वापस कार की तरफ गामजन हो रहे हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ से आप घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, सफदर भाई से पूछा है अगर रास्ते में कोई इंटरव्यू वगैरह मिल गया तो ले लेंगे, अदरवाइज़ कार, क्योंकि यहाँ आकर सफ़र भी काफ़ी था तो थकावट हो चुकी है, बाकी फिर घर जाकर मिलते हैं। अगर रास्ते में कोई इंटरव्यू वगैरह का सीन हुआ तो फिर आपको दिखाएँगे, अदरवाइज़ घर जाकर इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून।
अब अभी हम एक बैंक के पास हैं। सरदर भाई ने अपनी यूट्यूब की पेमेंट निकलवानी थी मजाक कर रहा हूँ, वैसे पेमेंट निकलवानी थी तो बैंक के पास हैं। यहाँ से कार का प्लान है, तो मैंने पिक्चरें कलेक्ट की हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं और कमेंट करके बताएं वो कैसी हैं।